ज़िंदगी के 33 सालों में कुछ लोग मिले जो ज़िंदगी बन गए और उनको मैं दोस्त कहता हूँ। दोस्त है कौन? दोस्त भाई होता है, दोस्त माँ होती है, दोस्त बाप होता है। इन शॉर्ट ये कि हर रिश्ते में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ मिला के अल्लाह ने दोस्ती का रिश्ता बनाया। दोस्त वो है जो दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ और आपके सामने आपकी बुराई करे। दोस्त वो है जो आपको गलत रास्ते से रोके। दोस्त वो है जो आपको गिरने लगे तो सहारा बन जाए। दोस्त वो है जो आपके कपड़े बगैर बताए उठा के ले जाए। दोस्त वो है जिससे आपके माँ बाप आपके बारे में पूछें, इसे हुआ क्या है। दोस्त वो है जो आपकी लड़ाई में आपसे भी आगे हो। इन शॉर्ट, दोस्त वो है जिसके सामने आपको पता ना हो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बैठे हो। दोस्त वो है जो बस बैठा हो और आपको सुकून। दोस्त वो है कि जब मुश्किल वक़्त हो तो उसको देख के सुकून मिल जाए। बस इसी तरह के कुछ कमीने मुझे भी ज़िंदगी में मिले जिनसे मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी बन गई। मेरी ज़िंदगी में 5 दोस्त आए और जिस तरह से ये मेरे लाइफ में आए वैसे वैसे उनका जिक्र करूँगा। सबसे पहले अशर जमील सदीकी, AKA पांडा। इसे पांडा इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी लुक्स बिल्कुल पांडे जैसी थी। छोटा सा, क्यूट सा, पपलू सा, लेकिन ये देखने में जितना छोटा है उतनी पहुंची हुई चीज़ है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उतना ज़मीन के अंदर। बस ऐसा ही कुछ है पांडा। पढ़ाई में नैला, यारों का यार, एक हाथ में सोटा दूसरे में मोबाइल, ये थी पांडे की निशानी। लड़कियों से दूर रहता था, या पता नहीं लड़कियां पांडे से दूर रहती थीं या पांडा लड़कियों से, बट ये शोर है कि पांडे की किस्मत में कभी किसी लड़की का हाथ नहीं था। पांडे की एक टूटी हुई CD 70 और हम 3 यार, बस यही थी ज़िंदगी। दूसरा दोस्त साइम नबी खान, AKA बेबी। इसे बेबी इसलिए कहते थे कि माँ बाप का इकलौता बेटा था और माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसकी वजह से इसके अंदर का बच्चा कभी मरा नहीं, इसलिए उसे बेबी कहा जाता था। गोरा, चिट्टा, पठान, ऊपर से फुल मम्मी डैडी बॉय। बेबी की लाइफ में एक ही क्रश थी। ओहो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये यहाँ नहीं बताना, बाकी आप समझदार हो। प्यारा लड़का, ऊपर से गोरा चिट्टा, लड़कियाँ मरती तो होंगी। कहते हैं कि हर दोस्त के साथ आपकी कोई ना कोई आदत मिलती है, बट मैं आज तक परेशान हूँ कि मेरी और साइम की ऐसी कौन सी आदत मिलती थी। तीसरा दोस्त अली अख्तर, AKA राधा। इसे राधा इसलिए कहते थे क्योंकि भाई सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन था और इसने खुद हमें कहा था, मुझे राधा कहा करो। राधा वो बंदा था जिसे आप 30 मिनट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे बर्दाश्त किया ज़िंदगी में 2 लोगों ने, एक हमारी भाभी और दूसरा मैं। राधा मेरे घर के पास रहता था और अगर हम में से किसी ने पेंसिल लेने भी बाज़ार जाना होता था तो हम साथ चलते थे। राधा दुनिया की वो वाहिद बंदा था जिसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं आज तक उस थप्पड़ के लिए राधे का शुक्रगुजार हूँ। राधे का एक और नाम तोता भी था क्योंकि राधे को पेट से इतना प्यार था कि एक वक्त में उसने अपना घर को जू बनाया हुआ था। और राधे की एक ही अच्छी बात है कि उसने ज़िंदगी में हर काम बहुत सीरियस होकर किया, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या मोहब्बत, जो भी किया दिल से किया। इसके अलावा ढूंढने से भी राधे में कोई अच्छी बात नहीं मिलती। फिर आते हैं हमारी ज़िंदगी के चौथे पिलर, राणा हमजा सैफ, AKA RHS। ये मेरे दोस्तों में सबसे छोटा है। इसका और मेरी एज का डिफरेंस ऑलमोस्ट 10 साल का है। कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये इतने ज़्यादा एज डिफरेंस के साथ भी हम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। इसका जवाब नहीं मिला कभी। मेरे सब दोस्तों में जितना सपोर्टिव राणा है कोई भी नहीं। हमजा ने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ों से मोहब्बत की, एक अपनी फैमिली और दूसरे अपने काम से। ना 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 ना, जो आप सोच रहे हैं उससे हमजा ऐसे दूर भागता है जैसे चूहा बिल्ली से। हमजा की ज़िंदगी में बस 2 सपोर्ट सिस्टम है, एक उसकी फैमिली और दूसरा उसके दोस्त। तीसरी किसी चीज़ की उसकी लाइफ में ना कोई जगह है और ना ज़रूरत। कभी कभी सोचता हूँ
कि इतना सुलझा हुआ और इतना शरीफ बंदा आखिर मेरा दोस्त बन कैसे गया। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ऐसे रहने की भी गंदी आदत है कि जब इसे पता चल जाए कि अगला बंदा किसी बात पे तंग हो रहा है तो जब तक वो बंदा रोना पड़े ये उसे तंग करना नहीं छोड़ता। अब आती है मेरी लाइफ में आए हुए इस आखिरी लतीफे की। जी हाँ, फरहान राणा AKA बंटी। बंटी के मुंह में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक गाली, दूसरी सिगरेट। गाली के बगैर बंटी की कोई बात भी पूरी नहीं होती, या ऐसा कह लें कि गाली के बगैर बात नहीं होती इससे। वो होते हैं ना फैमिली में एक बाबा जी जिनको लगता है कि मुझे सब आता है और मैं जो कहता हूँ सही कहता हूँ। हमारा बंटी भी कुछ ऐसा ही है, जो बंटी ने कह दिया वो फाइनल, उसके बाद उल्टे लटक जाएं, बंटी को गलत साबित नहीं कर सकते। और वो बंटी ही क्या जो मान जाए कि वो गलत है। बंटी की एक और यूं कह लें कि अनोखी बात है वो ये कि ये चलता फिरता कैलकुलेटर है। किसी भी चीज़ का हिसाब लगाना हो, कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, बंटी आपको 2 मिनट में हिसाब लगा के एग्जैक्ट आंसर बताएगा। वो अलग बात है कि इंटर में इसे मैथ क्लियर नहीं हुआ था। एक और बात, बंटी को बहुत शौक है हर बात का क्रेडिट लेने का। कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी ठीक हो, ये कहेगा देखा आखिर तेरे भाई ने कहा था। ये थे वो चंद लोग जो मेरी ज़िंदगी हैं, जिनके बगैर मैं कुछ नहीं। मैं जितना भी परेशान हूँ, मैं जितना भी उदास हूँ, इनमें से कोई भी मिल जाए फिर कहाँ की परेशानी, फिर कहाँ का डिप्रेशन। वो लोग जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं या मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, उनके लिए बस इतना ही कि आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है, वरना दोस्त के होते हुए कहाँ की परेशानी। क्योंकि ये वो रिश्ते हैं जो इंसान ने खुद बनाए हैं, इनकी कदर इंसान खुद से भी ज़्यादा करता है। बस संभाल के रखें इन हीरो को। आज की वीडियो दोस्तों के नाम शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ और बताओ उनको कि वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम उनसे कितना प्यार करते हो।